घनश्याम जी, आपसे कोई मिलने आया। इनसे कह दो ये यहाँ से चले जाएं। घनश्याम जी प्लीज, हमारी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए, मोनालिका की आत्मा ने कहा है आपसे मिलने के लिए। मोनालिका ने? जी, मोनालिका ने। मगर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? दरअसल हमसे एक गलत काम हो गया है। गलत काम? घनश्याम जी, हमने प्लैंकचेट के जरिए मोनालिका की आत्मा को बुलाने की कोशिश की, मगर मोनालिका की जगह वहाँ किसी और की आत्मा आ गई। अब वो हमारे पीछे पड़ गई है। उसने मेरे 3 दोस्तों की जान भी ले ली। ये जरूर सोनालिका हो गई। सोनालिका? ये सोनालिका कौन है? सोनालिका और मोनालिका जुड़वा बहन है। मोनालिका की जुड़वा बहन? हाँ, कहते हैं ना जुड़वा बहनें होती हैं तो वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती। मगर सोनालिका मोनालिका के खून की प्यासी थी, वो उसकी तरक्की से चलती थी। यही काफी नहीं था कि उसने जादू टोना और तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया। उसने मुझे और मोनालिका को बहुत परेशान किया। कई सालों के बाद एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें सोनालिका का चेहरा बुरी तरह से जल गया। नफरत के बावजूद मोनालिका ने उसकी बहुत देखभाल की। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। मतलब मोनालिका की मौत आग में जलकर हुई थी? हाँ, अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह एक्सीडेंट सोनालिका ने ही करवाया था। उसी ने मारा है मेरी बच्ची मोनालिका को। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तुम्हारे चेहरे में मोनालिका दिखती है। तुम बिल्कुल उसकी तरह लगती हो। ये क्या है? ये मोनालिका का पेंडेंट है। मगर ये तो आधा है। बचपन में मैंने इसके 2 टुकड़े किए थे, एक सोनालिका को पहनाया था और एक मोनालिका को। मगर ये तुम इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें सोनालिका की कब्र तक पहुंचाएगा। इसका दूसरा हिस्सा अभी भी सोनालिका के गले में होगा और फिर तुम सोनालिका के कहर से मुक्त हो जाओगे। जाओ, इसे लेकर जाओ। सोनालिका की बॉडी को दफन किया गया है, उसके शरीर के पास से ही हमें इस लॉकेट का दूसरा हिस्सा भी मिलेगा। तो फिर चलो ढूंढते। मैं वहां देखती हूँ। मैं कौन है वहां? कौन है वहां? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सोनालिका, ये तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। सब को खत्म कर दूंगी। देखो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा हूँ। हाँ।
हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। विकी, यहाँ खोदो। सोनालिका की बॉडी यहाँ गड़ी है। खोदो। मुझे तो मैच के दूसरे सोनालिका का
इसी प्लैंचेट की वजह से आज तुषार, रविकेश और अनिता हमारे बीच में नहीं रहे। तानिया, अब मुझे चलना होगा। Thank you.